दिन प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। महामहिम जी, हालत इतने बदतर हो गए हैं कि इससे भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू की छात्रा 3 भाजपा के युवाओं द्वारा बेखौफ होकर जबरन गन पॉइंट पर नग्न वीडियो बनाई गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महामहिम 5 नवंबर 2023 को सीसीटीवी फुटेज एवं 8 नवंबर 2023 को पीड़िता द्वारा बयान और उसकी पहचान कर लेने पर भी आरोपियों की पुष्टि होने के बावजूद भाजपा द्वारा उन्हें बचाने की नीयत से मध्य प्रदेश के चुनाव में भेज दिया गया। महामहिम जी, आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लग गए, इस पर प्रश्न लगना स्वाभाविक है। 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपियों को बचा रही थी क्या? अगर आरोप और अगर छात्रों और माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी द्वारा इस मामले पर दबाव नहीं बनाया गया होता तो शायद आरोपी पकड़े नहीं जाते। महामहिम जी, स्पष्ट रूप से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। दुर्भाग्य तो यह है कि यह घटना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की है। इस घटना को अंजाम देने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। महामहिम जी, उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम कांग्रेसजन आपसे मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वाराणसी की बेटियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना के लिए देश की बेटियों से माफ़ी मांगें। क्या कहना? अगर मुस्तैदी होती तो यह गिरफ्तारी में 58 से 60 दिन नहीं लगते। अगर मुस्तैदी होती तो जिस वक्त इसके पीड़ित ने इनकी शिनाख्त की थी 8 नवंबर को, उसी वक्त ही गिरफ्तारी हो जाती। देखिए, भाजपा भी जानती है कि जितने उनके पास कार्यकर्ता हैं सब या तो अपराधी हैं या तो भ्रष्टाचारी हैं। उनको बचाना है, क्योंकि चुनाव उनका कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बाँट को आगे दिखाकर और चुनाव के मुद्दे को लाना है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। आपने हाथरस का मामला देखा, आपने तमाम मामले देखे, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। तो उनके पास बिल्कुल, उनके हाथ सरकार जा चुकी है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको मारते हैं।